मैं नीशु स्वागत करती हूँ आपका लोकेंद्र फैमिली ब्लॉग में। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए इधर हो रहा है दूध गरम, ये एक किलो से थोड़ा ज़्यादा दूध है, डेढ़ किलो ली थी, थोड़ा सा निकाल ली मैं, और इसमें मतलब होगा 1.25 लीटर दूध। और देखिए एक गाजर मतलब 2.5 किलो लेके आए तो आधा किलो उसमें कचरा निकल गया, तो 2 किलो गाजर हो गई। एक कद्दू बस करे यही करे मुझसे धोने की नहीं। अब ये थोड़ा सा मतलब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, वैसे एक बार गर्म करके जब ही रख दी थी लेके आए तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। चलिए और देखिए बड़ी वाली कढ़ाई दिखा रही है, नई नई यही मेरे पास रखी थी कढ़ाई, जो कि ज़्यादा कुछ होता है तो जो होती वाला रखी रहती है, बाबू के बर्थडे में यूज की थी, उसके बाद आज निकले हलवे के लिए। अब अभी जो हो जाएगी पिस्तर की जाएगी, अब थोड़ा सा एक से उबाल मतलब 2-3 उबाल थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए तो फिर मैं एक गाजर डाल दूँगी इसमें और आगे दिखाती है आपको। ये देखो किसमें खा रही पापा क्या है बाबा? पूरे कुकर में लगी पड़ी है, थोड़े से चावल में दाल ही खत्म हो गई थी, भूख लग रही है तो चावल रखे थे ऐसे में खा रही हूं, पता नहीं थोड़ा से यहां कुकर में कौन खाता है, उसको ये खा लिया बाबा। अरे मम्मा ने खा लिया, अरे ये भी कुछ प्यारा है। देखिए दूध हो गया गाढ़ा, देखिए पास से दिखाओ, देखिए अब इसमें गाजर डाल देती हूँ, गाजर भी ज़्यादा है ना इसलिए मतलब इतनी नहीं है, पचा के जाइए पूरी पूरी है ना, 2 किलो गाजर इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी नचोड़ नचोड़ डाल दे रही हूँ, 2-2 के नहीं कद्दू बस किए थे, किए थे रेड रेड कलर निकल रहा है, जूस है ना। हाँ देखिए डाल देती हूँ मैं इसको, अच्छी वाली उस दिन लेके आए थे वो अच्छी नहीं थी, ये तो अच्छी वाली गाजर है, एकदम रेड रेड मीठी भी है, सबको ऐसी डाल देती हूँ। और ये बनेगा दूध वाला गाजर का हलवा ही बन जाएगा, तो हलवा ही बन जाएगा। ये देखिए गाय डाल दी मैं, अच्छे से मिक्स भी कर रही हूँ देखिए, और थोड़ी देर 2-3 मिनट पक भी गाय, और जब चाय बनने रख दिए क्योंकि थोड़े से चावल में इन्होंने दिखाया हुआ कुकर में खा रहे थे कुकर में खा रही थी ना इसीलिए इन्होंने दिखाया आप लोगों को कुकर में, इतने से चावल रात के बचे थे तो मुझे भूख लग रही थी, कुछ था नहीं खाने को तो मैं कुकर में हट गई हरी मिर्च रखना, चावल कैसे खा रही हरी मिर्च से, मतलब दाल भी नहीं थी, दाल तो मैं खा गया ना सारी, इन्होंने चावल डाल के थोड़े से छोड़े बोले थे अपने लिए खीर बना दो, नमक वाले इतने चावल थे बोले थे उसमें दूध डाल के चीनी डाल के खा लो, मतलब पूरा स्वाद ही खराब कर, नमकीन भी और मीठा भी। और देखिए ये बन रहा है हलवा, और मतलब शॉर्टकट बनाना हो तो ऐसे जरूर ट्राई करें, एकदम मस्त वाला बनता है, पिछली बार ये ऐसा है कि मतलब 10-5 मिनट में बन के तैयार हो जाता नहीं, है 10-5 मिनट में तो नहीं होता मतलब है, छीलने लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, खोवा बनाओ फिर गाजर उबालो फिर वो तो नचोड़ो फिर तीनों चीज मिक्स करो, उसमें ज्यादा बर्तन वर्तन भी ज्यादा होते हैं और टाइम भी ज्यादा लग जाता है, और इसमें दूध गर्म करो इसी में सब कुछ हो जाएगा, चीनी वीनी उसमें डल जाएगी, एकदम पक के रेडी हो जाएगा एक ही कढ़ाई में। इनके भाई साहब हलवाई हैं तो उनसे सीखा हुआ है इन्होंने शॉर्टकट। हाँ मेरे भाई तीनों हलवाई, हलवाई का काम करते हैं। ये देखिए इसके लोग गैस पे छोड़ दिए एकदम कम गैस करके, ये थोड़ा थोड़ा मतलब आराम से पकता रहेगा, हम लोग देखिए चाय और ये रस निकाल ले हैं धूप में जाके पिएंगे क्योंकि खाना नहीं बना है भूख लग रही, थोड़े से चावल से उसमें कुछ नहीं हुआ है पेट में, और चाय और ये खाई हलवा भी बन रहा है, हलवा भी हलवा बना, हलवा खा लेंगे शाम के टाइम में खाना बना देंगे, अच्छी धूप निकल रही है तुम आई इनकी चाय खाए मेरी बाबू की चाय, अच्छी धूप निकल लेकिन हवा आज ज्यादा बहुत ज्यादा चल रही, कल नहीं चल रही थी परसों भी, मतलब 2-3 दिन बाद ही चली हवा, मेरी चाय ना तेरी मतलब पक चुका है अभी, पका नहीं है मतलब थोड़ा सा रह गया अभी, तो अभी सीट पे डाल देती हूँ चीनी, ये देखिए चीनी भी साथ में पक ही जाएगी, ये देखिए थोड़ा सा और होने देती हूँ अभी से कोई दूध थोड़ा ज़्यादा है, डाल देती हूँ चीनी को मैं देख लूँ सब कुछ इसमें साफ कर ली हूँ, इसको डाल देती हूँ और अच्छे से चला देती हूँ इसको, एक सही से पका लेती हूँ थोड़ा सा, इसको अच्छे से चला देती हूँ, थोड़ा वो रखना पड़ेगा तो ऐसे, ये देखिए चीनी डाल दी मैं इसको, अब ढक देती हूँ पकती रही आराम से, इतनी चीनी इतने वापट उस पर डाल दी थी मैं क्योंकि उसके गाजर के थोड़ी अंदर भी चली जाएगी, थोड़ा मीठापन छा जाएगा।
हलवा मेरा रेडी हो चुका है, बस दो तीन मिनट और इसको थोड़ा सा वो कर लूँ चलाते चलाते। ये देखिए लग रहा है ना अच्छा अच्छा सा। अभी थोड़ा वैसा लग रहा था, मतलब चीनी डाल दी थी थोड़ा एकदम पानी से छोड़ गया, ज़्यादा नहीं, मैं 10 मिनट और पकाई थी फिर पूरा मतलब जल गया था चीनी डाल के, वैसे भी थोड़ा पानी से हो जाता है। ये देखिए और 2-3 मिनट और उसको पकाऊंगी फिर बन जाए के रेडी। हलवा हो गया बन के रेडी। रेडी अब करते गैस ऑफ। गैस कर दी ऑफ। देखते हैं हमारा लोग कितना बन चुका है, आधा इसमें करके रख दिया, ये भर गया है। तो देखिए इसमें मेरी छोटी सी प्यारी सी कढ़ाई में करा है, और देखिए आप लोग खा लीजिए, बड़ी मस्त आ रही है भाई, धुआं भी उठ रहा है और गर्मा गर्म हलवा आप लोग भी खा लीजिए। इसमें आप लोगों के लिए कढ़ाई में खाऊंगी मैं आप लोगों को। छोटी वाली इसमें खा जाए, मैं कुकर में खा सकती हूँ तो आप लोग छोटी वाली कढ़ाई में नहीं खा सकते हैं। और हमारे हलवा की रेसिपी हो गई पूरी। और कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब मेरा हलवा कैसा बना है। और ये तो अभी नॉर्मल तरीके से इन्होंने बनाया है। हाँ और फिर भी मतलब अच्छा जल्दी हो रही है, ज़्यादा टाइम नहीं है तो ऐसे बना सकते हैं, जल्दी जल्दी बन जाता है, अच्छा भी बनता है, ऐसे दूध भी अंदर भर जाता है उसमें। और वीडियो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज शेयर भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए हलवे के लिए। ऐसे ही मतलब वीडियो लाते रहेंगे और मिलते देखते रहिए नेक्स्ट ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, टाटा बाय। और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा हलवा कैसा बना है प्लीज़।